जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में विरासत टैक्स के जिक्र को लेकर हमला बोला, कहा कि हमारे पूर्वजों की संपत्तियों को दूसरों को सौंपने की बात कर रही है कांग्रेस। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि पहले की सरकार केवल शांति वार्ता करती थी, मोदी सरकार के आने के बाद पाकिस्तान की गीदड़ भपकियां बंद हो गई। सर्जिकल एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को जवाब दिया गया। करके धन संपत्ति अर्जित कर ही और वाला सरकार ले लही और सरकार वाला कौन में बांटी, सरकारों मन में बांटी जेमन ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, जेमन कई कई ठो शादी करते हैं, तो मेहनत कर ही हमर बाप पुरखा और वो मिली। ये देश के पहले के सरकार खाली शांति वार्ता करके शांत बैठ जात रही से, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके आज पाकिस्तान के गिदड़ भपकीला बंद कर दी। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा की अब सीबीआई की तरफ से जांच की जाएगी। बिरनपुर हिंसा मामला जो आपको याद होगा, इसकी जांच सीबीआई से कराने की सरकार ने बात कही थी और सरकार बनते ही ये बात हुई थी कि जांच कराई जाएगी। अब बिरनपुर हिंसा की सीबीआई जांच होगी। छत्तीसगढ़ सीबीआई की टीम आने वाली है और पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। भुवनेश्वर साहू हत्याकांड की भी जांच सीबीआई ही करेगी। 2023 में सांप्रदायिक तनाव दरअसल हुआ था और इस दौरान हत्या एक हुई थी भुवनेश्वर साहू की, जिनके पिता अब तो विधायक भी हैं, उनको टिकट दिया गया था बीजेपी की तरफ से और उन्होंने अभी हाल ही में महासमुंद जाकर ये आरोप भी लगाया कि गृहमंत्री खुद साहू हैं और उन्होंने कोई मदद नहीं की थी। ऐसे आरोप उन्होंने लगाए, साहू होकर साहू की मदद उन्होंने नहीं की थी और अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई करने वाली है। जल्द ही टीम आएगी, जाँच शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा पूरे जोरों पर है और इस वक्त हम मौजूद हैं बिरनपुर पर। बिरनपुर वो स्थान है, सबको याद होगा हिंसा घटनाएं घटित हुई उसके बाद की परिस्थिति और दृश्य बदला और हमारे बीच ईश्वर साहू जी विधायक खुद मौजूद हैं साझा के। हम उनसे बात करेंगे कि दुर्ग लोकसभा को लेकर के किस तरह की आप लोगों की तैयारी है, क्या दावा है, जीत आखिर आप लोगों की होगी। कि हमारे दुर्ग लोकसभा में एक जीत तो सुरक्षित है। सब मोदी जी के विकास कार्य को 10 वर्ष में जो कांग्रेस की 60 वर्षों में जो काम नहीं हुआ था, मोदी जी के 10 वर्षों को के कार्यकाल में जो काम हुआ हमारे भारत देश के अंदर, हमारे देश में तो सबको मालूम है। चाहे वो गरीबों की आवाज़ की बात हो, चाहे गरीबों की जो मुफ्त में अनाज मिल रहा है और हर गरीब मजदूर परिवार के यहाँ घर घर नल से जल पहुंचाने का काम कर रहा, माता बहनों के लिए सुलभ शौचालय का काम किया, गांव-गांव में आवागमन के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना का कार्य है, ऐसी बहुत से 10 वर्षों में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस काम किए उससे सब प्रभावित है। सब लोग मोदी जी की कार्यकाल में खुश है और ये आने वाले लोकसभा चुनाव भी मोदी के चेहरे में ही वोट डालेंगे। और वैसे भी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी विजय भैया जी जो अपने 5 वर्ष में कार्यकाल में जो काम किए हैं उससे भी लोग प्रभावित है। एक सहज और सीधा सरल का प्रत्याशी है हमारा विजय भैया। कांग्रेस कह रही है कि विजय बघेल ने काम नहीं किया, विकास जो लोग जाते थे तो क्षेत्र का विकास नहीं है, साझा बेमेतरा का विकास नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, विकास बहुत किया क्योंकि अभी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री था, पिछला मुख्यमंत्री था भूपेश बघेल का कांग्रेस के ही था, फिर भी जितना हो सके काम किए, अच्छे काम किए, लोग अभी भी लोकप्रिय है। हाँ, लोकप्रिय है हमारे विजय भैया जी, उसके जीत सुनिश्चित है और अगले पिछले हम 5 वर्ष से इस बार